फास्टैग नहीं है, बंद करा दे कैमरा। 50,850 करोड़, ये है 2022 का फास्टैग टोल कलेक्शन। माना फास्टैग से टोल प्लाजा पर कंजेशन कम हुआ, पर इश्यूज भी तो काफी हैं। डबल टोल कटना, लंबी लाइन, स्कैनर काम न करना, गुंडागर्दी और भी बहुत कुछ। टोल वालों के ऊपर की कमाई भी तो रुक गई है, फास्टैग क्यों चलने देंगे। ये सबके मद्देनजर मॉर्थ लेके आई है ANPR, यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। स्पीड कैमरास तो पता है ना, चालान सीधा घर भेज देते हैं। अब ANPR में ये कैमरास गाड़ी टोल क्रॉस करने पर नंबर प्लेट को स्कैन कर बैंक अकाउंट से सीधा टोल डिडक्ट कर लेती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ANPR तो चालू भी हो गया, पर इसमें भी कुछ इश्यूज है। ये कैमरा सिर्फ HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को ही डिटेक्ट करते हैं। दूसरी बात, कई बार बसेस या ट्रक्स में नंबर प्लेट गंदे, डैमेज या छुपे हुए होते हैं, और बिना टोल दिए प्लाजा स्किप करने पर कोई पेनल्टी भी नहीं है। फास्टैग या ANPR कौन सा बेटर है, कमेंट्स में बताएं। और ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।